हालेलुया, सबको जय मसीह की। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आइए हम सब मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, परमेश्वर की सेवा करें। जिस तरह लूका की पुस्तक अध्याय 5 की 10 आयत में लिखा है, तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। मेरे प्रियो, जब आप इस ऊपर दिए गए वचन को ध्यान से पूरे पढ़ें, तो लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ज्यादा भीड़ होने के कारण नाव में चढ़कर वचन सुनाने लगे, तब वचन सुनाने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने पतरस और उसके साथियों से कहा कि मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल पानी में डालो और गहरे में ले जाओ। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के साथ बहस करने की कोशिश की कि हमने सारी रात प्रयत्न किया परंतु एक भी मछली ना पकड़ी। फिर भी पतरस ने उनके कहने पर जाल डाला और इतनी मछलियां पकड़ी कि जाल फटने लगे। जब उन्होंने दूसरे मछुआरे को इशारा किया तो उनके भी जाल इतने भर गए कि फटने पर आ गए। पर एक बात पर ध्यान दें कि कुछ ही समय पहले जब उन्होंने जाल डाला तो कोई भी मछली ना पकड़ी थी। इस चमत्कार के होने के बाद पतरस प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर गिर गया और कहा कि हे प्रभु, मैं पापी मनुष्य हूँ, तू मुझसे दूर हो जा। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि अब से तू मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा। हालेलुया। याद रखे, पतरस के जीवन में इतना बड़ा चमत्कार करने के मकसद उसको बहुत अमीर करना नहीं था। यह नहीं कि परमेश्वर व्यापार में आशीष नहीं देता, अगर उसकी बुलाहट व्यापारी की है तो परमेश्वर आपको आशीष देता है। बाइबल में लिखा है कि यहोवा को धन, जो धन देता है उसके साथ दुख नहीं मिलाता। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पतरस के जीवन में चमत्कार करने का कारण यह था कि वह परमेश्वर की सेवा करे और इसी प्रकार वह सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो गए। जब आप रोमियो 12 की 11 आयत में पढ़ते हैं तो लिखा है कि प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो और प्रभु की सेवा करते रहो। याद रखें, परमेश्वर जो कुछ भी आपके जीवन में करता है उसके पीछे परमेश्वर का एक मकसद होता है। वह मकसद यह है कि सेवा सिर्फ अगुए के लिए ही नहीं बल्कि विश्वासियों के लिए भी है। एक बात हमेशा याद रखें, आपके जीवन में कुछ काम तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक आप सेवा में नहीं होंगे। परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि हर एक इंसान सेवा के लिए बुलाया गया है। परमेश्वर की सेवा करना उसकी ओर से हर एक के लिए एक आज्ञा है। मेरे प्रियो, जब आप लूका की किताब को और आगे ध्यान से पढ़े तो लिखा है कि बहुत सी औरतें दुष्ट आत्मा बीमारियों से आजाद होकर प्रभु यीशु मसीह के साथ थी ताकि परमेश्वर की सेवा अपनी संपत्ति से कर सके। आज आपको अपनी बुलाहट को पहचानने की जरूरत है कि आप किस तरह परमेश्वर की सेवा कर सकें, क्योंकि आपके जीवन की कुछ आशीषें ऐसी हैं जो आपको तब तक नहीं मिलती जब तक आप परमेश्वर की सेवा में नहीं आते। यह देखने की जिम्मेदारी आपकी है कि आप किस तरह सेवा कर सकते हैं। आप लोगों को सुसमाचार सुना सकते हैं, परमेश्वर के भवन में सेवा कर सकते हैं। याद रखें, जब आप परमेश्वर की सेवा करेंगे तो आपसे परमेश्वर अधिक प्यार करेगा, और जब आप सेवा में नहीं होते तो आप अपनी आशीषों को खो देते हैं। इसलिए आज आपको यह चाहिए कि आप इन आशीषों को पकड़े रखें जो आज परमेश्वर आपके सामने रख रहा है। इसी रीति से आप अपने दिल की इच्छाओं को पूरा होते हुए देखेंगे। यह तब ही संभव है जब आप सेवा में होंगे। आमेन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ परमेश्वर, कि मैं पतरस और उन औरतों की तरह जो प्रभु यीशु मसीह के साथ थी आपकी सेवा करूँगा ताकि मैं आपके कामों को करते हुए आपके राज्य के लिए बोल सकूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।